राहुल गांधी कब छेड़ने जा रहे बड़ा आंदोलन, जहां मोदी सरनेम वाला दिया था बवाली बयान, वहां से राहुल कब छेड़ेंगे तगड़ा संग्राम। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो अपने विवादित मोदी सरनेम वाले बयान के चलते सजा पा चुके हैं और अपनी संसद की सदस्यता भी गंवा चुके हैं, वो अब एक बड़ा और तगड़ा अभियान छेड़ने की तैयारी में हैं। राहुल गांधी ने आज से करीब 4 साल पहले कर्नाटक के कोलार में मोदी सरनेम वाला वो विवादित बयान दिया था, जिससे वे कोर्ट कचहरी के चक्कर में ऐसे उलझे कि अपनी संसद सदस्यता से ही हाथ गंवा बैठे। अब वे कर्नाटक में उसी कोलार से सत्यमेव जयते आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं। जब वे कर्नाटक में इस आंदोलन की हुंकार भर रहे होंगे, तो उस वक्त देश भर में कांग्रेस मेरा घर आपका घर कैंपेन को तेज कर रही होगी। राहुल गांधी के सत्यमेव जयते आंदोलन की शुरुआत 5 अप्रैल से होने जा रही है। कर्नाटक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार ने बताया कि उन्होंने ही राहुल गांधी को यह सुझाव दिया था कि उन्हें अपने आंदोलन की शुरुआत कर्नाटक के कोलार से ही करनी चाहिए, जहां मोदी सरनेम को लेकर दिए बयान के बाद बीजेपी की ओर से उन्हें घेरा गया था। कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि आंदोलन के दौरान राहुल गांधी कोलार की धरती से ही बदलाव का संदेश देंगे। उनके इस आंदोलन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। कर्नाटक में राहुल गांधी जब ये आंदोलन छेड़ रहे होंगे, तो इसकी गूंज देश भर में सुनाई देगी, क्योंकि अलग अलग राज्यों में भी कांग्रेस नेता इसी तरह के आंदोलन के जरिए सक्रिय रहेंगे। लेकिन ठहरिए, अगर आप इस बात को इतना सीधा और सपाट समझ रहे हैं तो ऐसा मत समझिए, क्योंकि राहुल गांधी के इस आंदोलन को लेकर चर्चा है कि इसके पीछे कांग्रेस की एक बड़ी रणनीति और एक बड़ा संदेश भी छिपा हुआ है। दरअसल राहुल गांधी ने अपने इस आंदोलन की शुरुआत के लिए कर्नाटक राज्य को ही जानबूझकर चुना है, क्योंकि यहां कुछ ही हफ्तों के बाद विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसकी घोषणा भी चुनाव आयोग कर चुका है। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि जिस कर्नाटक राज्य में राहुल गांधी अपने जिस भारत जोड़ो अभियान के जरिए कांग्रेस के पक्ष में हवा बनाने की कोशिश कर गए थे, उसके प्रभाव को वे एक बार फिर से अपने आंदोलन के जरिए मजबूत करना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि कर्नाटक में चुनाव की दहलीज पर राहुल गांधी की उपस्थिति जो बेशक आंदोलन के ही बहाने क्यों ना हो, लेकिन इससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश का संचार जरूर हो सकता है, जिससे कांग्रेस लाभ जरूर कमाना चाहेगी। जबकि राहुल गांधी के आंदोलन के लिए कोलार को ही चुनने के पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि इससे कहीं ना कहीं राहुल गांधी ये संदेश देना चाह रहे हैं कि वे झुकने या डरने वाले नहीं हैं। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने साल 2019 में कोलार में ही मोदी सरनेम को लेकर वो विवादित बयान दिया था, जिससे उन्हें आपराधिक मानहानि केस में 2 साल की सजा के अलावा अपनी संसद की सदस्यता तक छोड़नी पड़ गई। अब नौबत ये तक आ गई है कि उन्हें जल्दी ही अपने सरकारी आवास को भी खाली करना पड़ सकता है, जिसे लेकर कांग्रेस समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने अभी से देश भर में मेरा घर आपका घर अभियान की शुरुआत कर दी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।